Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Verse Number 35. Bhagavan Sri Krishna ke mukharvin se nikle hue in atyant hi pavitra aur madhur shabdo ko mere saath-saath ucharan karne ka prayas kijiye. Shri Bhagavan Uvacha Asaushayam Mahabaho Mano Durnikram Chalam Akhyasena Tukantiya Vairakhiya Chagrihyati Asaushayam Mahabaho Mano Durnikraham Chalam Abhyasi Natukantiya Vairakyena Chagrihyati Asaushayam Mahabaho Mano Durnikraham Chalam Pyasi natu kantiya vairagyena chagriyati asaushayam mahabaho mano durnikraham chalam apyasi natu kantiya Vairagyena Chagrihyate Asaushayam Mahabaho Mano Durnikraham Chalam Abhyasena Tu Kauntiya Vairagyena Chagrihyate Shabdon ka arth Shri Bhagavan Uvacha Arthat Bhagavan Sri Krishna ne kaha Asaushayam Nisandeha Mahabahu He Balishth Bhujhaon wale Mano Durnigraham Chalam Man ko दुर्निग्रहम अर्थात दमन करना कठिन है चलम चलायमान या चंचल है अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यास से अभ्यास के द्वारा तू लेकिन कौन्तेय हे कौन्ती पुत्र वैराग्येण वैराग्य द्वारा च भी गृहीयते इस तरह वश में किया जा सकता है अनुवाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे महाबाह कुंती पुत्र निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है यह अभ्यास क्या है वर्तमान युग में तीर्थवास परमात्मा का ध्यान मन तथा इंद्रियों का निग्रह ब्रह्मचर्य पालन एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में
श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख जाता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूख को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा उपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सदा।
सजीवं सात्वैतं सामधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनं गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हमने श्लोक नंबर 33 और 34 में पढ़ा, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को योगाभ्यास द्वारा मन को कंट्रोल करने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि देखो मधुसूदन, आपने जो मुझे अभी समत्व वाला योग बताया है, जो संक्षेप में अभी वर्णन किया है आपने, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, आपने जो अभी मुझे बताया है वो एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरं, वो तो मुझे ऐसा व्यवहारिक लगता ही नहीं है, ये तो बहुत अव्यवहारिक है, असहनीय है, क्योंकि चंचल है मेरा मन बहुत, वो स्थिर नहीं रहता, तो जो योग पद्धति तुम बता रहे हो वो कैसे करेगा। और 34 में मन की अस्थिरता को दर्शाने के लिए चार दृष्टांत दिए हैं कि मन इतना चंचल है, और एक उदाहरण दिया है बहुत ही सुंदर। पहले बोला चंचलम ही मनः कृष्ण, पहली बात कि ये चंचल है। अब चंचल जैसे कोई बालक होता है, चंचल होता है, वो इतना ज्यादा हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, बस वो नोटी होता है, परंतु साथ में ये कहा खाली चंचल ही नहीं है, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी। परमार्थी का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा विचलित करने वाला है, एकदम पागल है। पागल अगर कोई पागल हाथी होता है ना, तो क्या होता है, वो क्या कर सकता है, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कोई पागल मनुष्य होता है तो क्या होता है कि अच्छा, पहला तो बोला चंचल है, फिर उसको लगा कि नहीं, चंचल का मतलब होता है कभी वो चीज को लाइक करता है, कभी वो चीज को लाइक करता है, कभी वो चीज को, क्योंकि मन का डिजायर जो है वो मन में उत्पन्न होती रहती है, तो पहला स्वभाव है कि वो चंचल है, तो चंचल है तो चलो ठीक है। लेकिन फिर साथ में बोला खाली चंचल नहीं है, परमार्थी है, पागल है। तो ऐसा कोई इससे ऐसा लगा कि भगवान उसे बोलेगा चलो ठीक है, अगर पागल है तो उसको बांध दो,
कैद कर दो एक जगह पर। लेकिन साथ में बोला कैद नहीं कर सकता क्योंकि बलवत दृढ़म बहुत बलवान है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, उसको मैं कैद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तस्य अहम निग्रह मन्ये, उसको निग्रह करना तो मुझे ऐसा लगता है वायु रिवसु दुष्कर है। जिस तरह से वायु को कैद करना कितना कठिन है, वायु आप एक बड़े से मैदान में खड़े हो जाओ, वहां से हवा आ रही है, वहां से हवा आ रही है, वहां से हवा आ रही है, तूफान आ रहा है, तो क्या कोई तूफान को रोक सकता है? हमें क्या करना है, उस तूफान वाली जगह को छोड़ देना है। लेकिन मन को कैसे छोड़ सकता है व्यक्ति, क्योंकि मन तो हमारे साथ साथ सूक्ष्म शरीर के इस तरीके से हमारे साथ साथ रहता है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अब उसको जब हम साथ रखेंगे तो वो पागल है, वो ऐसा कार्य करेगा कि हमें हमारे पथ से गिरा देगा। और अगर उसको दूर करना चाहे तो दूर कर नहीं सकते, और तस्या हम निग्रह मन्ये, उसको निग्रह करना तो बहुत कठिन है। और फिर इसके पैतृ श्री प्रभुपाद जी ने बताया बहुत ही सुंदर कि मन जो है वो लगाम की तरह है और इंद्रियां क्या है, घोड़े की तरह। अब बुद्धि क्या है, वो सारथी की तरह है, लेकिन घोड़ा जितना ज्यादा तेज दौड़ेगा उस लगाम के द्वारा उसको कंट्रोल करना उतना ही अधिक कठिन होता जाएगा। समझ में आ रही बात? इंद्रियां क्या है, घोड़े हैं, उनको कंट्रोल कौन करेगा, मन करेगा। लेकिन मन जितना वो स्मूथ वे में इंद्रियां जा रही होंगी ना, तो फिर उस मन के द्वारा उसको कंट्रोल करना इजी होगा। यानी इसे भगवान ने पहले भी कहा, तस्मात इंद्रियां यादो, सबसे पहले किसको, इंद्रियों को कंट्रोल करो। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि अगर इंद्रियों को रोका नहीं, उसको उनको ना तेज गति से दौड़ने दिया जाए, ठीक है, घोड़ों को तेज गति से दौड़ने दिया जाए कि जिधर जाना है जाओ, मैं मन के द्वारा, मेरा मन है उस, वो है ना वास्तव में तो लगाम, उसको मैं खींचूंगा, तुम कुछ आगे तुमको रोक दूंगा। लेकिन समस्या यहाँ पर आ जाती है कि अगर इंद्रियां बहुत तेज दौड़ती हैं, बहुत तेज, जैसे घोड़े दौड़ते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, घोड़े गिर जाते हैं, फिर उनको उठाना बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। अगर वो जख्मी हो जाती हैं या गिर जाते हैं घोड़े, तो फिर उनको उठाओ, फिर उनको ट्रीटमेंट करो, फिर उनको वापस से इस लायक बनाओ कि वो दौड़ सके, तो बहुत ज्यादा वो कठिन है। लेकिन बुद्धिमानता क्या है कि स्टार्ट में ही घोड़ों को इस रफ्तार से चलाया जाए कि उसको कंट्रोल में रखा जा सके, सारथी के कंट्रोल में होना चाहिए, बुद्धि के कंट्रोल में मन होना चाहिए और मन के कंट्रोल से इंद्रियां होनी चाहिए। परंतु आजकल का वातावरण ऐसा है कि व्यक्ति को बहुत ही आसानी से इंद्रियों को दूषित करने के अवसर प्राप्त है, है ना। जैसे अभी टीन एजेस में कॉलेज गर्ल्स होती हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेट के द्वारा बहुत ही आसानी से उन्हें काम वासना से हृदय को पीड़ित करने के अवसर प्राप्त होते हैं, वीडियोस में, मूवीज में, ऐसी थिएटर्स में, इस तरह के उनको ऐसा वातावरण प्रोवाइड किया जाता है कि उनका मन बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। यानी इंद्रियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, श्रवण करते हैं और स्पर्श करते हैं, तो फिर मन को दूषित करने के बहुत बहुत चांसेस हो जाते हैं। और जिस तरह से मन दूषित हो जाता है, जितना मन अधिक दूषित होता है उतना ही भक्ति करना अधिक कठिन हो जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्टार्ट में ही इंद्रियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, है ना। स्टार्ट में ही इंद्रियों को ऐसी वस्तु का संग नहीं देना चाहिए जिससे कि बुद्धि के हाथों से मन की लगाम छूट जाए। तो जो ये इंद्रियों के विषय हैं, उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए दूर ही रहना चाहिए, दूर रहना बेहतर है, क्योंकि जैसे अगर इंद्रियां बहुत तेज भागने लगेंगी तो आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा और इतनी
पीड़ित हो जाएंगी इंद्रियां उन विषय वस्तुओं को प्राप्त करने का, इतना रोग लग जाएगा, इतनी ज्यादा नशे की आदत किसी को हो जाती है ना, तो फिर वो इतना व्याकुल हो जाता है कि वो नशा उसे प्राप्त नहीं होता, तो वो अपने आपे में नहीं रहता, उसको पता होता है, वो पागल हो जाता है कि मैं उस चीज के बगैर नहीं रह सकता, मुझे चाहिए चाहिए एनी हाउ, मतलब दिमाग घूमने लगता है। जैसे साधारण सी मिसाल मिले, अगर किसी को चाय की आदत होती है तो वो दोपहर को जब काम कर रहे होते हैं 2-3 बजे, तो उसका सर फटने लगता है, कैसे भी करके मुझे चाय पीनी है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी इंद्रियों को उस वस्तु का आदि बना दिया है। लेकिन अगर जिसने शुरू से ही चाय का सेवन नहीं किया, उसे टेस्ट नहीं है, उसे माइंड में नहीं है, तो भले वो डिवोटी नहीं है, लेकिन उसको, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को उसका आदि बनाया नहीं है, तो वास्तव में क्या है कि जितनी इंद्रियों को हम छूट देंगे उतना ही वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा है कि चंचल है मन, बहुत प्रमार्थी है, बलवान है, और उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। तो भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर भगवान का जो जवाब है वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला है ना, इनकरेज, बहुत ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं इसमें भगवान। बहुत ही सुंदर रिप्लाई भगवान देते हैं कि असंशयम महाबाहो, असंशयम, मैं निसंदेह, मैं मानता हूँ अर्जुन, स्वीकार करता हूँ कि तुम महाभाव हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, दुर्निग्रहम का मतलब होता है बहुत कठिन है मन को कंट्रोल करना, मैंने स्वीकार की तुम्हारी बात, तुमने जो बोला है वो 100% सही है, परंतु तू आता ना जो अभ्यास न, तू कौन थे, तू का मतलब होता है लेकिन, भले ही बहुत मुश्किल है लेकिन, इट इज वेरी डिफिकल्ट बट नो नॉट इम्पॉसिबल, अभ्यास है ना तू कौन थे है? यदि कोई अच्छा अच्छी तरह से अभ्यास करता है, हे कुंती पुत्र, वैराग्य न च गृहीयते, गृहीयते का मतलब होता है इस तरह से वश में कर पाना संभव है, मुश्किल है परंतु असंभव नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। अगर हम दो रूल्स यहाँ पर भगवान बताते हैं, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अब यहाँ पर भगवान ने खाली ये बताया है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, भगवान ने अभ्यास की विधि नहीं बताई है कि कौन से अभ्यास से। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया है कि वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर अभ्यास के लिए कहा है, भगवान कह रहे हैं, अभी तो भगवान क्योंकि योग अभ्यास के विषय में बता रहे हैं, तो फिर योग अभ्यास के बारे में भगवान कह रहे होंगे कि ठीक है शुरू में तुम्हें मुश्किल लगता है लेकिन उसी को करते रहो तो आपको ईजी लगेगा वो चीज, क्योंकि शुरू में हर चीज मुश्किल लगती है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने माना है कि ये तरीका मुश्किल है, तो इसका मतलब है भगवान कहते हैं कि ये तरीका मुश्किल है तो कोई ना कोई आसान तरीका भी होगा, ठीक है ना, तो फिर आसान तरीका कौन सा है, वो भगवान इसी भगवद गीता में, क्योंकि कन्वर्सेशन है ना, तो आगे चल के 8.14 में बताएंगे भगवान क्या कहते हैं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, एक पूरी भगवद गीता में एक बार ही भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति या मन को कंट्रोल में करना बहुत सुलभ है, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बोला अनन्य चेता, मतलब विचलित नहीं होना है मन को, सततम जो कंटिन्यूअस माम स्मृति,
जो मुझे याद करता है नित्यश सदैव मुझे याद करता है तस्य अहम सुलभः पार्थ, मैं उसके लिए बहुत आसानी से उपयुक्त उसको आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। नित्य युक्तस्य योगिना, और वही वास्तविक योगी है जो कि सदैव मेरी भक्ति में लगा रहता है, मेरी भक्ति करता है सदैव मेरा स्मर यो माम स्मरति नित्यश। तो मुझे जो सदैव याद करता है वो तरीका बहुत आसान है। और मुझे कैसे याद किया जा सकता है, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 17 भगवान ने बहुत ही सुंदर बताया है मुझे याद करने का एक तरीका है। भगवान कहते हैं श्रवताम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यंतस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत साम। भगवान कहते हैं कि यदि कोई सदैव मेरी कथा को श्रवण करता है, अब क्योंकि मन की लगाम को रोकना है तो मन जो है वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, बहुत बलवान है, बहुत हठीला है, पागल हो गया है। तो भगवान कहते हैं कि आप ऐसा करो, श्रवणताम स्वकथां कृष्ण, सदैव मेरी कृष्ण की कथाओं को श्रवण करना है। क्यों श्रवण करता है, क्योंकि ये जो भगवान की कथाएं हैं पुण्य प्रदान करने वाली हैं, अत्यंत ही हृदय के अंदर जो अपराध है उनको समाप्त करे। पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान के श्रवण और कीर्तन से हृदय पवित्र होने वाला है, क्योंकि हृदय के अंदर जो अपराध भरे हुए ना, हृदयंतस्थो ह्य भद्राणि, जो भद्र है जो अपराध है विधनोति सुहृत साम, उससे पवित्र हो जाएंगे। भगवान की कथा जो है वो उस हृदय को पवित्र करेगी। इससे क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हृदय के जो विकार हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो गंदगी है हृदय की, वो हमारी बीमारी की तरह है। जैसे कोई किसी को रोग लग जाता है ना, किसी को बीमारी हो जाती है, तो उस तरह से ये हृदय को मन को जो बीमारी लगती है तो मन के अंदर ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो इन विकारों को समाप्त करने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं है कि भाई जैसे बीमार हो किसी को, सपोज किसी को लूज मोशन हो जाए और वो सोचे कि नहीं बस मैं कंट्रोल करूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं बस कंट्रोल अपने आप को केवल पीड़ित करता रहेगा। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेडिसिन ग्रहण करनी चाहिए। जब वो मेडिसिन देगा ना डॉक्टर, तो उसके साथ जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो उसके साथ कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देता है, कुछ प्रोस्क्रिप्शंस देता है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, ठीक है। तो जब जैसे कि वो बोलेगा कि भाई बहुत ज्यादा स्पाइसी मत खाओ, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं खाओ, आप है ना खिचड़ी लो और ठंडा कर्ड के साथ है ना इस तरह से मिक्स करके खाओ, तो क्या होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इसी तरह से हमारे मन में भी बहुत सारे विकार, बहुत सारी, जैसे किसी के मन में काम वासना की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो फिर या फिर कोई अलग कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है, या क्रोध या ईर्ष्या, तो ऐसा नहीं है कि हम बस सोचें कि अब हमें नहीं करनी चाहिए, हमें पता चल गया है अब हमें ये नहीं करनी चाहिए, केवल इतनी इच्छा काफी नहीं है। ये बहुत गहरा रोग है और इस रोग के इलाज के लिए दवाई भी हमारे पास होनी चाहिए। और वो दवाई कौन सी है, श्री रूपा जी बताते हैं, केवल हरिनाम के द्वारा, हरी कथा के द्वारा, श्रवताम स्वकथां कृष्ण, ये भगवान के पवित्र नाम की कथा, भगवान की लीलाओं की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो जैसे जैसे उसको श्रवण करते जाते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करना और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, इससे हृदय की का जो ये रोग है वो समाप्त हो जाता है। विधुनोति सुहृतसाम, उसको साफ करते 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 अब क्या करना है, केवल इसके लिए, अब देखो डॉक्टर ने दवाई दी, उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन दी कि ऐसे करना है, और साथ में क्या दिया कि ऐसे नहीं करना है, और वो क्या, यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं, अभ्यास करना है लेकिन वैराग्य भी होना चाहिए। तो अभ्यास क्या है,
विधि विधानों का पालन करना, हरिनाम जप करना, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करना। और वैराग्य क्या है कि जो वस्तुएं हमारे मन को दूषित कर रही हैं, उनसे दूर रहना। जैसे अगर कोई बीमार हो और दवाई भी ले रहा है, साथ में वो ऐसे वस्तुओं को भी साथ में खा रहा है जिससे कि उसका हृदय वापस से उस बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, तो वो बीमारी समाप्त नहीं होगी। ये इस तरह है जैसे अगर किसी को खुजली का रोग हो जाए और डॉक्टर उसको बहुत अच्छी दवाई दे रहा है जिससे उसकी खुजली साफ सही हो रही है, खारी साफ हो रही है, लेकिन फिर वापस से वो दवाई खा रहा है और उसको जोर जोर से खुजलाता है, वापस दवाई खा रहा है उसको जोर जोर से खुजलाता है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, तुमको इसको स्पर्श नहीं करना है, अगर होता है तो भी अपने नाखून से उसको खुजलाना नहीं। लेकिन उसी तरह से हमारे हृदय के अंदर जो ये अपराध है, उसको जब हम ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं जिससे हमारा हृदय और अपवित्र होता है, ऐसे ना मूवीज देखते हैं, ऐसे सिनेमा में जाते हैं, या फिर काम वासना को उत्तेजित करने वाली कोई भी वस्तु को हम, जो हमारी इंद्रियों को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करते हैं, उसके विषय उसके अनुसार मन के अनुसार प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो भी साथ में होता रहेगा और साथ में धुलाई भी होती रहेगी। वो इस तरह से कभी भी मन पवित्र नहीं होगा, है ना। मन को पवित्र करने के लिए उसको साफ करो और फिर गंदगी से भी उसको बचाओ। जैसे हम नहा के आते हैं, इसका मतलब ये है कि नहा के आने से पवित्रता तो आ गई, लेकिन फिर बाहर आके वापस अगर मट्टी अपने ऊपर डालेंगे तो फिर वो पवित्रता समाप्त हो जाएगी। उसी तरह से हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, लेकिन यदि वैराग्य नहीं है, अपवित्र वस्तुओं का असक्त संग का हमने अभी त्याग नहीं किया है, जब तक अभी भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और फिर भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक से अधिक आकर्षित बढ़ रहा है, हम बोलते हैं हमें भौतिकता में भी आनंद आता है और आध्यात्मिकता में भी आनंद आता है, और इसको बहुत फखर से बताते, लेकिन भगवान साफ कहते हैं देखो मन को वश में कर पाना बहुत कठिन है। असंशयम ही महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना है तुम्हें, पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, लेकिन साथ साथ वैराग्य को भी अपनाना है। ऐसा नहीं है कि तुम वैराग्य नहीं करो और फिर भी तुम, है ना, अपने पवित्र मन को पवित्र कर सको। वैराग्य जरूरी है, भौतिक वस्तुओं का आकर्षण हृदय से समाप्त करना पड़ेगा। और इसी तरह से भगवान का पवित्र नाम लेते 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 वस्तुओं की ओर से आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का जो पवित्र नाम है रसवर्जम रसोप्यस्य परमस्य, तो भौतिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद ही चाहेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसकी, तो फिर क्या होगा, उधर आकर्षण बहुत है माया का, तो क्या होगा, भक्ति छूट जाएगी और फिर माया में वापस से गिर जाएंगे। इसलिए आकर्षण को खत्म करने के लिए उसकी ओर देखना नहीं है, उससे अपने आप को बचाना है, ऐसे कार्यों से, ऐसे व्यक्तियों से। तो हमें ऐसा ढूंढना है ऐसी जगह, ये हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिससे हमारे मन को दूषित, हमारा मन दूषित हो रहा है। ये हमारी अपनी ड्यूटी है, जितना हम सिंसियर होंगे अपने साथ उतना ही हम भक्ति में, क्योंकि अभ्यास का है ना भगवान ने कि अब तुम सिंसियरली यदि अभ्यास करोगे और वैराग्य करोगे, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम देखें कि किस तरह से कौन सा कार्य करने से मेरी भक्ति में उन्नति हो रही है और कौन सा कार्य करने से मुझे भौतिक वासना तड़पा रही है। अगर ये काम करने से मुझे भौतिक आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, पुनः मुझे भौतिक गंदगी अपनी ओर खींच रही है, तो तुरंत ही उस वस्तु को त्याग देना है, उसको कहते हैं वैराग्य। अगर हम ना कोई ऐसी वस्तु, और फिर देखना है कि क्या किस व्यक्ति के साथ बात करके या किस व्यक्ति के द्वारा श्रवण करके मेरी भक्ति में उन्नति हो रही है, मुझे भगवान के पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, भगवान से प्रेम हो रहा है, और मेरा और भी हृदय कर रहा है कि मैं भौतिक वस्तुएं अब मुझे अच्छी नहीं लगती, जब भी मैं उससे मतलब ऐसे संगति प्राप्त होती है, मुझे ऐसे डिवोटी एसोसिएशन मिलती है,
तो भगवान नाम के प्रति और भगवान कथा के प्रति मेरी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है और भौतिक वस्तुओं के प्रति मेरा आकर्षण समाप्त हो रहा है, तो वह स्थान को, वह सर्कमस्टेंसेस को हमें अधिक से अधिक अपनाना है। और जिन व्यक्तियों के द्वारा या जिन जिस माहौल के द्वारा हमारी भक्ति में कमी हो रही है, उस वातावरण से हमें दूर रहना है। इसी को बोलते हैं असत्य संग त्याग या वैराग्य। तो भगवान कहते हैं साथ साथ में तुम्हें अभ्यास भी करना है और साथ साथ में वैराग्य भी दिखाना है कि जो वस्तुएं अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जना, जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में उसे संकल्प करना है, उसे ग्रहण करना है, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है। यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर रीति से समझाया है कि भक्ति का प्रथम अंग है, नवधा भक्ति होती है, उसका प्रथम अंग क्या है, कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करने करते जाएंगे वैसे वैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति होती जाएगी, जो मन को कृष्ण से दूर लेते जाते। तो सबसे पहला जो प्रथम स्टेप है भक्ति में वो है श्रवण करना। जैसे जैसे आप श्रवण करते जाओगे ना, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारे आकर्षण कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पढ़ा श्रवणम पुण्य श्रवणम कीर्तनम, भगवान के विषय में श्रवण करना इतना पवित्र है कि भौतिक आसक्ति वास्तव में यही तो हमें करना है। भौतिक आसक्ति को समाप्त करना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य, क्योंकि जब तक भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं होती तब तक हृदय के अंदर प्रेम प्राप्त करना असंभव है। तो मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जो भौतिक आसक्ति को बढ़ाते हैं, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, जब इनसे हम दूर हो जाएंगे तो फिर आसानी से वैराग्य हो जाएगा। भौतिक वस्तुओं से दूर रहेंगे तो वैराग्य होगा ना, अगर दूर नहीं रहेंगे उन वस्तुओं के साथ, उन व्यक्तियों के साथ अटैच रहेंगे तो फिर वैराग्य तो नहीं होगा। वैराग्य का अर्थ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। पदार्थ से विरक्ति जरूरी है, जो भौतिक वस्तुएं हैं जो भगवान से संबंधित नहीं है उनसे हमें दूर रहने का अभ्यास करना है। और अगर यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि भाई हम अपने लोगों से कैसे दूर हो सकते जो कि कृष्ण से हम, लेकिन हम हृदय से दूर रहें, ठीक है, उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना है, उनकी बातों हमें उन बातों को सीरियस लेना है जो कि हमारी कृष्ण भक्ति में उन्नति करते हैं, उन व्यक्तियों को सीरियस लेना है। जैसे अब संसार में भी हम जैसे स्कूल में जाते हैं बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं, तो उन सारी स्टूडेंट्स जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ उनकी बात सुनते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता। अपना जो ग्रुप होता है उन्हीं में उनकी बातों में ही हमें रस आता है, और दूसरे जो बोल रहे होते हैं वो बोलते रहे या कुछ भी हो रहा होता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होता। तो उसी तरह से क्यों हम भले एक ही क्लास में रहते हैं, एक ही क्लास कहलाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा हृदय उनके साथ मैच नहीं करता, उसी तरह से जो भौतिक वस्तु है या भौतिक व्यक्ति है उनसे अपना हृदय मैच नहीं करना, कोई बात को टच नहीं करना। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जाहिर सी बात है कर्म ऐसे किए हैं कि उनके साथ रहना है तो रहना है, लेकिन फिर भी अपने आप को ये समझाना है कि ये व्यक्ति की बात को गहराई से मुझे नहीं लेना है, ये क्योंकि वो मुझे जो प्रलोभन दे रहा है, जैसे जैसे मेरी इंद्रियों को प्रलोभन मिलता जाएगा तो फिर मेरी इंद्रियां जो है वो बेलगाम होती जाएंगी। मुझे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है ताकि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकूं। और मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है वो भगवान कल वाले श्लोक में बताएंगे कि मन को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने तुम्हें कहा है कि अभ्यास भी करो और वैराग्य भी करो, तो उसको कंट्रोल में करना यहाँ पर तो आज तो भगवान ने यही बताया अभ्यास है ना, तो कौन से वैराग्य आपको अभ्यास करना है और भौतिक वस्तुओं से आपको वैराग्य उत्पन्न करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्य कलापों में मन को लगाने की उपेक्षा अधिक कठिन है ना। अब देखो कृष्ण वो लीला करते हैं, वो प्रेम करते हैं और उनका पवित्र नाम इतना मीठा है कि उनके साथ हम कोई संबंध जोड़ते हैं तो वो
बहुत इजी है, परंतु जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसकी कोई लीला नहीं, तो उसके अंदर हृदय को लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है ना। एक सुंदर व्यक्ति है जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, जो प्रेम करना जानता है, उसके साथ प्रेम किया जा सकता है, लेकिन वह निर्विशेष भगवान जिसके पास हृदय नहीं, जिसके पास इंद्रियां नहीं, जिसके पास ना कोई ऐसा ऐसी चीज नहीं है जो हमें आकर्षित कर सके, तो फिर उसके साथ प्रेम करना बहुत कठिन है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते ये तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है, या आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती। हृदय पवित्र होता, आत्मा तुष्ट होती है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। तो जैसे जैसे आत्मा कृष्ण के विषय में श्रवण करती है तो उसको आनंद आने लगता है। और श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि जैसे जैसे हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को कैसे पौष्टिक मिल रही होती है, न्यूट्रिलाइज होता है हमारे शरीर, उसी तरह से जैसे जैसे आत्मा भगवान के विषय में श्रवण करती है तो वैसे वैसे उस आत्मा को भी बल प्राप्त हो रहा होता है, उसको आनंद प्राप्त हो रहा होता है, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, और साथ साथ मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया बहुत सुंदर कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण, भगवान की जो लीलाएं हम श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम को शुद्ध भक्तों के द्वारा जो श्रवण करते हैं, मन का कुशल उपचार है, क्योंकि मन के अंदर जो रोग लग गए है ना भौतिक आसक्ति का, वो भगवान के विषय में श्रवण करने से वो रोग जो है उसकी दवाई क्या है, भगवान के विषय में श्रवण करना और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना, यानी भगवान का जो प्रसाद होता है वो क्या है, उपयुक्त पथ्य। ये वो जैसे डॉक्टर बताता है कि भाई ये आपको दवाई भी खानी है, साथ साथ ये गिजा भी लेनी है ना, ये मील आप डॉक्टर बताता है ना कि भाई इस तरह ये डाइट्स आपको चाहिए, तो उस तरह से भगवान के पवित्र नाम का जप और भगवान के पवित्र प्रसाद को ग्रहण करना, इससे क्या होगा, ये उपचार, ये जो भौतिक हमारे अंदर गंदगी है जिसके द्वारा मन इतना दूषित हो गया है कि मन को कंट्रोल करना अर्जुन को बहुत मुश्किल लग रहा है, तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कहते हैं कि देखो आपको अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। अभ्यास क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का जप करना और भगवान की कथाओं का श्रवण करना। और वैराग्य क्या है, भौतिक वस्तुओं को सेवन ना करना। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने केवल प्रसाद के विषय में बताया, प्रसाद में बहुत बल होता है, प्रसाद हृदय पवित्र करता है, क्योंकि भगवान का साक्षात दर्शन है, भगवान की साक्षात कृपा है। तो जब हम इस कृपा को केवल खाली प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, भौतिक वस्तुओं से वैराग्य, भौतिक वस्तुएं जो हमारी इंद्रियों को लालच देती हैं पुनः इस भौतिक गंदगी में गिरने के लिए, उनसे वैराग्य और केवल भगवान को प्रसाद का मतलब होता है, वही चीज आप सेवन करो जो कि भगवान को अर्पित की गई हो, है ना। अब जैसे भौतिक वस्तुएं हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, भगवान जो जैसे हम बोलते हैं आप सारे जीवन को क्या करो, कृष्णमय करो, लेकिन आप फिल्म देख रहे हो तो फिल्म जो होता है वो भौतिक होता है, आप कैसे भगवान को अर्पित कर सकते हो, वो तो आप समय अपना वेस्ट करो, उस समय में आप कुछ स्टडी कर सकते हो, कुछ शास्त्र अध्ययन कर सकते हो, वो अगर आपको समय मिला है तो उसको उस तरह से यूटिलाइज करो कि वो समय, वास्तव में समय सक्सेस तब होता है जब उसका भविष्य में लाभ प्राप्त हो, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये टाइम में मुझे एंजॉय करना है, तो भले आप इस टाइम में एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो एंजॉय करने के बाद वो समय तो समाप्त हो गया, और एंजॉय कर लिया तो फिर उस एंजॉय के बाद आपको प्राप्त क्या हुआ, आपने समय सक्सेस तब होता है जब आप उस टाइम पर वैसा काम करो जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट प्रदान करे। जैसे अगर आप पूरा दिन कोई भी काम नहीं कर रहे हो, भले उसमें आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा यदि उसका कोई मकसद नहीं होगा। अगर स्टूडेंट पूरा साल पढ़ता है
लेकिन एग्जाम नहीं देता है तो वो उसको कभी भी ना लाभ प्राप्त नहीं होगा पूरा साल पढ़ने का। उसी तरह से हम भी भौतिक जीवन में भले पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन यदि आध्यात्मिकता में भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं किया, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं किया, तो फिर कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि मरने के बाद पुनः वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बहुत से बड़ी डिग्री ले ले, बहुत बहुत स्टडी करे, लेकिन मरने के बाद उससे वापस से एफॉर एप्पल पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैंने पहले जन्म में तो इतना पढ़ लिया, अभी मुझे आगे पढ़ना। लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसा कार्य है जो आप जितना कर लोगे आगे आपको उसके आगे चांस मिलेगा। वापस से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, शुरू से आपको सिर्फ एक रिवाइज करके और आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो हम स्मरण करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम को, भगवान की कथाओं को श्रवण करने को समय देंगे और भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होंगे। और इसके लिए आप मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने साधना को अच्छा कर सकूं।